राम चबूतरा वही है जिस पर टीन शेड डालने की बात हुई थी, वो बाहरी हिस्सा ही है जिसको आपने अभी थोड़ी देर पहले खुद पूछा होती रही है हमेशा। वो अंग्रेजों ने बांट के अलग किया था, पहले बटा हुआ नहीं था, पहले वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन हिस्सों में जमीन को बांट कर गलती की, ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। यानी 2010 का हाईकोर्ट का फैसला गलत ठहरा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको याद होगा 2010 में हाईकोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई हिस्सा दे दिया था विवादित जमीन का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया है वो फैसला सही नहीं था, यानी इस जमीन को बांटना गलत था। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ने इस फैसले को गलत बताया था। और अब हाईकोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे, दोनों पक्षों ने यही कहा था कि हमने हाईकोर्ट में इस तरह की अपील नहीं की थी कि आप इस जमीन को बांट दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ऐसा लगता है वैसा ही फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है हाईकोर्ट ने जमीन को तीन हिस्सों में बांटकर गलत किया था। अब कम से कम अनुराधा जी ये तो साफ हो गया है कि ये फैसला किसी एक के पक्ष में आने वाला है। बिल्कुल, ये क्योंकि ये तीन हिस्से वाली बात खत्म हो गई है। आप भी अनुमान लगा रहे हैं और फिर मुझे रोकते हैं आप। अनुमान लगाया, अभी अगली खबर में ये रूल आउट कर रहा हूं। रामलला विराजमान के दावे को कोर्ट ने माना, लेकिन मुस्लिम पक्ष को अलग नहीं किया जा सकता। ये उसके अगला अपडेट है, ये अगला अपडेट है। रामलला विराजमान के दावे को कोर्ट ने माना, लेकिन मुस्लिम पक्ष को अलग नहीं किया जा सकता। जो बाइफरकेशन था, ट्राइफरकेशन, उसको कोर्ट ने गलत माना। ये शुरू में मुझसे सवाल किया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उस वक्त भी हम ये सोच रहे थे, तब मैंने कहा था कि नहीं, उसको सबने एक्सेप्ट नहीं किया तो इसीलिए चैलेंज किया गया। और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इससे बड़ी अदालत तो जाहिर है इसका फाइनल होगा। वो आज सोच रहे होंगे ना कि सही चैलेंज किया था। जो भी शख्स चुबा थे वो अब साफ हो गए हैं। रामलला के दावे को कोर्ट मान रहा है, लेकिन निर्मोही अखाड़े के सूट को पूरी तरह से कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब निर्मोही अखाड़ा इस केस से पूरी तरह से बाहर समझ गया। अब सिर्फ रामलला विराजमान के दावे को माना गया है और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को माना गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की अनदेखी नहीं। जाहिर है, लेकिन रामलला विराजमान के दावे को मानते हुए मुस्लिम पक्ष को अनदेखा नहीं किया जा सकता, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा जा रहा है। पर निर्मोही अखाड़ा और शिया वक्फ बोर्ड लगता यही है इस केस से अब पूरी तरह से बाहर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है अयोध्या की विवादित जमीन को 2010 में तीन हिस्सों में बांटकर हाई कोर्ट ने सही नहीं किया था, यानी तीन हिस्सों में इस विवादित स्थल को बांटना गलत था। इसीलिए अब लगता ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला किसी एक के पक्ष में आ सकता है।